क्योंकि इसका रिसेप्शन डेस्क बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पर रिसेप्शन नहीं है कुछ भी, आपको थर्ड फ्लोर जाना पड़ेगा, वहाँ पर रिसेप्शन है और फिर जाके मतलब आप रूम ले सकते हो, बुक कर सकते हो। और इट्स काइंड ऑफ ऑकवर्ड बट इन द सेम टाइम इट्स गुड एक्चुअली। तो ये है, काफ़ी सही है, मतलब अभी फ़िलहाल टेम्परेचर भी इसका काफ़ी सही है इस टाइम पे। ये इसकी क्रॉसिंग है, मेन स्टेशन इसके पास में ही है यहाँ पे। अब मैं देखता हूँ कि जाना इधर की साइड है, बट तो मतलब सामने ही जाना है आई गेस। या ये इसकी मेन क्रॉसिंग स्ट्रीट है, सामने इसके स्टेशन है यहाँ का। टोक्यो से यहाँ पे कम रश है, काफ़ी कम रश है, टोक्यो में बहुत ज़्यादा रश था। और मतलब इस टाइम पे तो वहाँ पे लाइक जैसे दिल्ली की मेट्रो में होगा ना, बस वैसे ही कुछ है। तो यहाँ पे कम भीड़ है, और यहाँ पे इस टाइम पे समर में आप आ रहे हो तो लाइक यू कैन सी द फ्लावर्स एंड ऑल। और विंटर के टाइम में यहाँ पे स्नो रहती है बहुत ज़्यादा। तो अभी हमने एक रेस्टोरेंट ढूँढ लिया है, इंडियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे जाएंगे। इट्स लाइक अ 5 मिनट वॉक, सही है। तो नॉर्मल ट्रैम्स भी यहाँ पे चलती हैं, जैसे ये होगी ट्रैम। तो आसपास में ही है स्टोर, देखना पड़ेगा थोड़ा सा कहाँ पे है। उस साइड को है अपोजिट में, तो थोड़ा सा अपोजिट में जाना पड़ेगा। मेरे को तो काफ़ी सही लगा है यहाँ पे, इट्स फार बेटर देन टोक्यो एक्चुअली। वहाँ पे सिर्फ भीड़ ही है और कुछ नहीं है, तो इतना भी रश सही नहीं होता है।
इंडियन फूड खा लिया था बस अभी, और काफ़ी अच्छा था वो भी। अब मैं जाऊंगा एक मतलब काफ़ी फेमस है सपोरो टीवी टावर, तो वहाँ जाएंगे। इस लाइक 11 मिनट की वॉक है, तो बस वो करेंगे। सो मेरे ये सामने जस्ट इसका नाम है सफोरो टावर, बहुत फेमस है यहाँ का। ये सामने है, अभी आपको दिखेगा इस लाइक आईफल टावर ऑफ सपोरो। तो टाइम लिखा है उस पर 8:23, और ये पैनासोनिक क्यों लिखा है, लगता है पैनासोनिक की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं लोग। अच्छी वाली, तो लेट्स सी। तो ये हम पहुंच गए सफोरो टावर, इस लाइक आईफल टावर भाई। इतना बड़ा तो नहीं है बट ठीक है, रात को थोड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी लाइटिंग वगैरह है, इट्स प्रीटी गुड। तो वैसे ही आईफल टावर की तरह आपको एंट्री में वहाँ से ऑब्जर्वेशन डेस्क से वहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी, ऊपर जाना है आपको अगर, तो ऐसा है। मेरे को ये समझ नहीं आया कि पैनासोनिक का वहाँ बैनर क्यों लगाया, पैनासोनिक वालों ने सब फ्री में लाइट दे दी है मेरे को लग रहा है। हाँ, और ये इसके सामने जस्ट पार्क है, तो यहाँ आप बैठो मस्त, फ्लावर्स वगैरह लग रखे हैं यहाँ पे, अभी रात को दिखेंगे नहीं बट इट्स क्वाइट गुड। वापस अपने होटल जाएंगे। काफ़ी ठंड हो गई यहाँ पे सपोरो में, मतलब कि मेरे को लगा यहाँ पे काफ़ी ठंड है एज़ कम्पेयर टू द टोक्यो। मे बी नॉर्थ पार्ट में इस वजह से काफ़ी ठंड है यहाँ पे अभी भी, समर्स में भी इट्स फील्स कूल, और काफ़ी सही लग रहा है, मतलब इट्स रियली गुड, द वेदर इज़ रियली गुड, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे फिलहाल। और काफ़ी लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे बाहर, ये लोगों को क्या सीन है, मतलब जो यंगस्टर्स हैं ऑल, तो रात तक बैठे रहते हैं बाहर, बाकी जो बाकी हैं वो काम कर ही रहे हैं, खैर तो ऐसा है। और मतलब ऐसा नहीं टोक्यो की तरह कि यहाँ पे रात तक दुकानें उकने खुल रखी हैं और खाना वाना अभी ऐसा हो गया, बस सब दुकानें बंद हुई। सब दुकानें वगैरह बंद हो गई हैं। सो मैं जो सिम यूज़ कर रहा था उसका एरालो कंपनी का यूज़ कर रहा था, क्योंकि जैसे मैं कंट्री चेंज कर रहा हूँ बार बार, तो इट्स रियली गुड। एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक्सपेंसिव भी इसलिए क्योंकि मैं ज़्यादा डेटा यूज़ करता हूँ, सब कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि भाई वाईफाई नहीं है, डेटा है तो उसको यूज़ कर लेता हूँ कंज्यूम। तो लाइक 800-900 रुपये मतलब 7-8 दिन में, इट्स गेटिंग वेरी वेरी नॉर्मल फॉर मी, वेरी नॉर्मल। तो थोड़ा आप अगर ध्यान दोगे कि हाँ उसको टर्न ऑफ करना है तो इट्स गुड, नहीं तो उसका खर्चा तो लगाना ही है। और सो जो एक्सपेंसिव है यहाँ पे लाइक इंडियन फूड, इट्स लाइक नॉर्मल, मतलब जैसे टोक्यो में था, जैसे बाकी से गया था, मतलब टोक्यो में काफ़ी महंगा है बट यहाँ पे 850-900 ऐसा है, मतलब लाइक वन टाइम की मील अगर आप इंडियन फूड में इंडियन रेस्टोरेंट में खा रहे हो तो।
अब आज तो रेस्ट करेंगे फिर, एंड सुबह फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। सुबह हम शायद क्लाउड वॉक जाएंगे। क्लाउड वॉक यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे क्लाउड्स दिखते हैं, वो काफ़ी हाइट पे है, तो हम देखते हैं सुबह कैसे जाना है उससे, कौन से स्टेशन जाना है। एंड या ここは続きよ夢の続きを見せてくだれやってくだけ俺だってよストーリーよベーシストモテる服は天気見ようこれが俺のやり方なのよ涙自体の努力言われた男との間違いないよここでやるなら恥じないよ俺らマジであ外れがないよなよ